हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल श्रेष्ठ भारत। आई डोंट वांट टू मैरी एनी पॉलिटिशियन एवर। क्या सुनकर आप शॉक्ड हो गए? वो कहते हैं ना, कभी भी किसी चीज के लिए स्ट्रांगली ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए कि वही आपसे भगवान करवाए, क्योंकि जो नसीब में लिखा होता है वो किसी को पता नहीं होता, सिर्फ भगवान ही जानते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ परिणीति चोपड़ा के साथ। दरअसल परी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां परी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैं कभी पॉलिटिशियन से शादी नहीं करूंगी, नेवर। The problem is I don't want to marry any politician. That's what you said, too many. I don't want to. There's too many good options, but I don't want to marry any politician ever. तो सुना आपने किस एटीट्यूड के साथ परिणीति चोपड़ा ने कही ये बात, जिसके लीक होने के बाद लोग सोच में पड़ गए कि क्या ये परी के ही शब्द हैं? अब हाल ही में परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी बड़े ही शाही अंदाज में उदयपुर के लीला पैलेस में हुई थी, जिसके बाद अब परी का ये पुराना वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दोनों को साथ में लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। इनके शादी के फोटोज आते ही लोगों के बीच छा गए और इस वीडियो ने अब लोगों को कन्फ्यूज कर दिया है। जहां अभी भी फैंस उनके फोटोज पर प्यार बरसा रहे हैं, ऐसे में इस वीडियो के आते ही सोशल मीडिया में तहलका मच गया। जहां दोनों को इस नए सफर के लिए शुभकामनाएं मिल रही हैं, वहीं अब इस क्लिप के बाद लोग समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों बोल गई थी परिणीति। खैर, वजह तब जो भी रही होगी, पर अब तो वो अपने राघव से बेहद प्यार करती हैं, जो कि शादी के बाद उनके चेहरे पे साफ झलक रहा है। उनकी चमक से ही पता चलता है कि वो बेहद खुश है अपने इस फैसले से। तो अब जो हुआ सो हुआ, सब भूलो मिट्टी पाओ। अब ये दोनों खुश हैं तो उस वीडियो के वायरल होने का कोई मतलब नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो परी ने वो बात बोली थी, अब वो वायरल हो रही है और लोग असमंजस में पड़ गए कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। खैर, दैट्स इट फॉर नाउ। ऐसे ही और स्टोरीज को देखने के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।